मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी राजेश डिमोदक, डीएम सहित संबंधित अधिकारियों ने चंपा देवी पार्क में आयोजित गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मंडलायुक्त ने बैठक कर जो कार्य पूरे नहीं हुए हैं उन कार्यों को शीघ्र ही पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मंडलायुक्त ने महोत्सव परिसर में लगाए जाने वाले स्टालों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा महोत्सव में आने वाले नागरिकों के वाहन को खड़ा करने के लिए पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया। मंडलायुक्त ने महोत्सव को देखते हुए बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि महोत्सव के रास्ते में पड़ने वाले विद्युत पोलों की सभी लाइटों को चेक कर लिया जाए, जिससे कि महोत्सव के समय सभी रास्तों पर रोशनी रहे और आने वाले नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने कोविड-19 को देखते हुए कहा कि सभी लोग मास्क लगाकर ही महोत्सव में आए तथा महोत्सव में लगने वाले कृषि प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, सरस मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य नाटक का लुत्फ उठाए। इस अवसर पर डीआईजी राजेश डिमोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, एडीएम फाइनेंस तथा महोत्सव के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीओ कैंट सुमित शुक्ला सहित अन्य अधिकारी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, ठीक बताइए कुछ था क्या? एडीएम साहब बैठ जाएं क्या? सर ये बीच में सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्या ट्रैफिक का रहेगा सर? देखिए आपका इम्पोर्टेंट वो जो ट्रैफिक वर्कर का होगा इधर लेन ये पुस्तक मेला ये सर पूरा सरस है और ये पूरा पुस्तक सरस के
कितने काउंटर हैं सर? इसको उन्होंने 23 मांगे थे सर, हमने 23 हमने, ये 22 है हमारे, एक कोने वाला उनको दिया है, ये देख रहे हैं दो और किसने क्या लगा लिया वहाँ पे, रेशम और खादी और आपके, ये यहाँ से वहाँ तक 22 है हमारे सर, और एक इस लेन में 22 है। हाँ, और सामने ये सर ये है वो जिन बच्चों ने बनाया वो कहाँ है? ये है सर यहाँ के कलाकार, और ये सर नीचे से पानी यदि गिरेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये सर इतने नजदीक से हम इसको और दूर कर देते हैं, इसलिए थोड़ा व्यू अच्छा आ रहा है सर, गाड़ी से देखेंगे सर। हो गया था ना का है? यहाँ से गाड़ी अंदर जाएगी? ये सर गाड़ी अब इधर सर हमारे पास पूरा पार्किंग का एरिया है, दूर गाड़ी अंदर यहाँ से जाएगी। सर पहले भी एक जगह है, एक एग्जिट यहाँ पे बना रहे और एक एंट्री वहाँ पे बना रहे, तो जो रामगढ़ ताल घूम के गाड़ियाँ आएंगी वो वहाँ से इंटर करेंगी, यहाँ से एग्जिट वार्ड फ्लो करके जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं रूट वार निकल जाएंगी, उनको इधर आके ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है, पहले वो रामगढ़ ताल के किनारे किनारे जाके वहाँ से घूम के एंट्री कर जाएंगे और एग्जिट करने वाला भी फ्लो में निकल जाएगा। आप इसको फ्री कर लेंगे? इसको फ्री कर देंगे, VIP नेटिंग स्टेशन सर, लाइट की समस्या है सर, लाइट लाइक देखिए गोरखपुर महोत्सव जो 12-13 जनवरी को किया जा रहा है उसी से संबंधित हम लोग तैयारियों को उसका फाइनल जो चल रहा है उसको देख रहे हैं और आशा करते हैं कि अच्छा प्रोग्राम हम लोग प्रस्तुत कर पाएंगे। आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि कोविड संक्रमण के जो बचाव हैं उनसे लोग सावधान रहें और उसके प्रति जरूर अपनी जो भी कर्तव्य है वो निभाएँ और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में आप लोग आके एक डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए जो सांस्कृतिक और ज्ञान और सरस मेला विज्ञान इन सब की झांकी है उसका लाभ उठाएं। हम आशा करते हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम हो यहाँ पर प्रस्तुत कर पाएँ।